ए गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आप सबको छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसको हर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए और उसको सीखने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं जिनको हमें सीखना ही चाहिए। गाइस सबसे पहले अगर सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात होती है तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड। इसके बिना हर सॉफ्टवेयर अधूरा है क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले माउस पे हाथ सेट करना है, प्लानिंग बनाना है, सेक्शन बनाना है, एलिवेशन बनाना है, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग बनाना है, ऑटोकैड से शुरुआत होती है। तो हर एक सिविल इंजीनियर को ऑटोकैड जरूर से जरूर आना चाहिए। ऑटोकैड के बाद स्वाभाविक सी बात है आप कभी मार्केट में जाओगे, अपना खुद का ऑफिस खोलोगे तो आपको बताना पड़ेगा क्लाइंट को कि मैं आपका घर ऐसा बनाना चाहता हूँ, आपका अपार्टमेंट ऐसा बनाना चाहता हूँ, ये मॉडल होगा। तो उसके लिए आपके पास रेबिट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। रेबिट अगर सीख रहे हैं तो रेबिट में आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्पाइरल और एमएपी तीनों डिसिप्लिन सीखेंगे तभी आपको बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाएंगे और अच्छा नॉलेज हो पाएगा। उसके साथ ही साथ आपको अगर स्टैट्रो का नॉलेज है तो आप समझिए कि आप उसकी एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कॉलम सही है कि नहीं सही है, बीम सही है कि नहीं सही है। मीन्स प्रॉपर अगर आपको सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ किसी को मॉडल देना है तो आपको ऑटोकैड रेबिट के साथ स्टैट्रो आना जरूरी है। अब बोलोगे सर मैं अपने करियर को हाई राइज बिल्डिंग के लिए बनाना चाहता हूँ, G+20, G+30, G+40 डिजाइन करना चाहता हूँ, जिसमें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस हो, पुश वॉर एनालिसिस हो, ढेर सारी कॉन्सेप्ट हो, तो ऐसा सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना है तो आप ETAPS चलाइए। ETAPS यानी एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम, CSI का बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आप कैरियर बनाते हैं तो बहुत बेहतर आप हाई राइज बिल्डिंग की तरफ अपने कैरियर को बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ गाइज आज के टाइम में बहुत ही ट्रेंडिंग हो चुका है 3D डिटेलिंग के सॉफ्टवेयर। 3D डिटेलिंग क्या होता है? ऑटोकैड में आप डिटेलिंग करते थे 2D में, बार दिखाते थे, कनेक्शन दिखाते थे, राइट। अब ट्रेंड आ चुका है 3D डिटेलिंग का। उसके लिए आप अगर टेक्ला सीखते हैं, टेक्ला स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, तो आप अपने कैरियर को और अच्छे से स्टैब्लिश कर सकते हैं। गाइस ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसके अलावा अगर आप बोल रहे सर मैं तो साइट पर हूं, मुझे साइट का ही जॉब करना है, साइट का जॉब नहीं करना है तो ये सब कर लीजिए, साइट का ही जॉब करना है तो आप MSP या फिर प्राइमेरा सीख लीजिए। MSP यानी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे आप पूरा का पूरा मैनेज करना सीख जाओगे। एक साइट को कैसे मैनेज करना है, बिलिंग वगैरह कैसे करना है, सब कुछ आपको MSP के अंदर मिल जाएगा। MSP या प्राइमेरा, प्राइमेरा ओरेकल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, MSP माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर में से कोई भी सीख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन होगा। अब बोलोगे सर मुझे इंटीरियर का काम अपना करना है, तो इंटीरियर का काम करना है तो बेसिक लेवल पे करना है तो आप स्केचअप सॉफ्टवेयर को सीख लीजिए। अगर आपको एडवांस लेवल पर करना है तो 3ds Max सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि मीन्स अगर आप सीख लेते हैं, एक एक सॉफ्टवेयर की अपनी खुद की एक इंडस्ट्री है गाइस। इसको आप अपने खुद के व्यवसाय में, अगर आप खुद का ऑफिस खोल रहे हैं उसमें भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इन पे जॉब भी सर्च कर सकते हैं। यानी रेबिट पर आज के टाइम में आपको लाखों जॉब है। आप सिर्फ गूगल पे सर्च करो रेबिट जॉब इन, जहां पर भी आप पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, दिल्ली में, नोएडा में, जहां भी सर्च करना चाहते हो आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप सोचोगे सर इन सॉफ्टवेयर्स को कैसे सीख सकते हैं? इन सॉफ्टवेयर्स को सीखने के लिए आज के टाइम में बहुत अच्छा सोर्स है कि आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब के अलावा यूट्यूब पे क्या होता है, चीजें अगर सीरियस से नहीं मिल रही तो हमारे यूनिक सिविल ऐप जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप, या फिर दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप सीख सकते हैं। मीन्स नंबर से इंक्वायरी ले लीजिए कि भाई कैसे सीखना है। आपको यूनिक सिविल ऐप के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर बहुत ही नॉमिनल फी में, वो भी इस समय दिवाली का ऑफर चल रहा है तो हैप्पी दिवाली कूपन कोड यूज करके बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बस कोई बोल ही नहीं सकता कि सर बहुत ज्यादा फीस है, बहुत नॉमिनल फी में आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो हमारे Q&A सेशन अभी स्टार्ट हो गए हैं सैटरडे संडे, तो आप Q&A सेशन में आके डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे जो इंस्टॉल करने के लिए, कैसे इंस्टॉल करना है उसका प्रोसेस भी मिलेगा, प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सब कुछ तो मिल रहा है। आप फटाफट यूनिक सिविल ऐप को डाउनलोड करके उसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो यूट्यूब से सीखना है, तो आप इनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर को चूज करो, उन्हें अपना बेस्ट कर दो। आप बेस्ट करने के लिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई कैसे सीखूं, क्या क्या सीखना पड़ेगा, सीरीज से नहीं मिल रहा यूट्यूब पर, तो आप हमारे सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस में जो जो चीजें लिखी हुई उन चीजों को आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब सर्च करके आराम से सीख सकते हैं और अपने करियर को एक बेहतर ऊंचाई दे सकते हैं। गाइस स्वाभाविक सी बात है आपको लर्निंग करना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग करेंगे तभी आपका ग्राफ बढ़ेगा अर्निंग का, स्वाभाविक सी बात है। कोई भी आप शेयर मार्केट में भी जाते हो, शेयर मार्केट में क्या होता है, बिजनेस ग्रोथ करता है तो फिर आपका भी जो प्राइस होता है शेयर का वो भी बढ़ता है। बिजनेस ग्रोथ ही नहीं करेगा तो शेयर का प्राइस अपने आप धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। हमेशा हर किसी को अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। मैं भी अपने स्किल को कोशिश करता हूँ कि कोशिश ज्यादा से ज्यादा नया नया कुछ ना कुछ सीखता रहो। आप भी कोशिश करिए कि यार कुछ नया सीख लूँ, कुछ
कुछ नई स्किल्स को सीख लो, तो आप यूनिक्स विल ऐप को डाउनलोड करके वहां से सीख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से सीखना चाहें, या फिर कोई भी आप चाहते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा गाइड करिए कि इसमें क्या क्या सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए यहाँ पर कॉन्टेक्ट कमेंट बॉक्स में फटाफट कनेक्ट कर दीजिए कि भाई आपको क्या जानना है। कोशिश करेंगे कि हम उसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे सके। जय हिंद, जय भारत। इस